प्राचीन काल से संगम नगरी प्रयागराज के गंगा किनारे बसे ऋषि मुनियों ने बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। बाद में प्रहलादपुर प्रयाग के पावन भूमि में स्थानीय राजा महाराजाओं ने गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना किया होगा। इसी क्रम में अंग्रेजी साम्राज्य को अंगूठा दिखाने के लिए और स्थानीय आम जनमानस को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1928 में नेपाल नरेश राणा जंग बहादुर ने बेनी प्रसाद टंडन के साथ मिलकर ऋषिकुल प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय को बाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाने लगा। आज विद्यालय सिकुड़ते हुए बहुत ही छोटा और बदहाल हो गया है। अब सवाल यह है कि जिस स्कूल में हजारों की संख्या में प्राइमरी के बच्चे दूरदराज से शिक्षा ग्रहण करते थे, उनका आकार और विद्यार्थियों की संख्या भू माफियाओं की वजह से दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कुल मिलाकर भू माफियाओं की वजह से प्राइमरी के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल को श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और बच्चों को खुद भोजन परोसे। इस दौरान प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने का निर्देश दिया और कहा कि मेरा सपना है कि सभी बच्चे स्कूल जरूर आएं ताकि देश व प्रदेश का विकास तेजी से हो सके। संगम नगरी प्रयागराज में एक दर्जन से अधिक दबंग परिवार हैं जो कि ऋषिकुल प्राथमिक विद्यालय की लगभग 1 बीघा 3 बिस्वा जमीन को कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया है। इन दबंग परिवार की ओर से स्कूल की जमीन पर जबरन कब्जा कर स्कूल के 1 बीघा 3 बिस्वा के जमीन पर चारों तरफ से कब्जा करते हुए घर बना लिए हैं। यहाँ तक कि स्कूल की बची हुई जमीन जो विद्यालय परिसर के अंदर से आने जाने का रास्ता भी निकाल लिए हैं। यह वही दबंग लोग हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सब पड़े सब बड़े के सपने को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। इसके साथ ही ऋषिकुल प्राथमिक विद्यालय के खिड़की दरवाजे को पूरी तरह से दबंग लोगों ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में कमरे के अंदर उमस भरी गर्मी में देश के भविष्य परेशान हो रहा है। शिवकुटी थाना क्षेत्र में मेला रोड पर ऋषिकुल प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्र पढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज शहर का यह पहला स्कूल है जो कि सन 1928 में स्थापित हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह स्कूल समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित किया जाने लगा, लेकिन आज ऋषिकुल विद्यालय अपनी बदहाली पर भी रो रहा है। स्कूल में पढ़ने आ रहे बच्चे जर्जर भवन में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। जहां विद्यालय की दीवारें जर्जर अवस्था में हैं, छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय पार्षद से लेकर स्कूल के शिक्षकों की ओर से जिला प्रशासन से शिकायत की गई, पर जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। प्रयागराज प्रशासन स्कूल की ओर ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज के इस पहले स्कूल का संज्ञान नहीं लिया तो शायद यह विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। क्षेत्रीय पार्षद कमलेश तिवारी ने बताया कि नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने विद्यालय के लिए करीब 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि दान दिया था, क्योंकि उस वक्त आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कोई भी विद्यालय नहीं था। वर्तमान समय में भी यह विद्यालय गरीब परिवार के बच्चों के लिए आशा की किरण है। मौजूदा समय में ऋषिकुल विद्यालय में कुल 136 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि आज से कुछ साल पहले तक 250 से भी अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन स्कूल में जगह ना होने की वजह से बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब तो मात्र विद्यालय के पास 4 बिस्वा जमीन ही बचा हुआ है। स्कूल के प्राध्यापक अंबिका प्रसाद शुक्ला ने बताया कि इस विद्यालय पर लगातार दबंगों का कब्जा आ रहा है। इस मामले को लेकर डीएम कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया, लेकिन स्कूल पर दबंगों का कब्जा बढ़ता गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और समाज कल्याण विभाग की मिली भगत से विद्यालय पर कब्जा हो गया है। फिलहाल सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध दबंग परिवारों का कब्जा को लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है और ना ही इस मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। ऋषिकुल विद्यालय की स्थिति इतनी बुरी है कि इस विद्यालय में शिक्षा ले रहे बच्चों को जहां जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है, विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं बची हुई है, वहीं इन बच्चों को ताजी हवा भी नसीब नहीं हो रही है। ऋषिकुल विद्यालय शुरू में बहुत बढ़िया स्थिति चलता रहा, लोग धीरे धीरे
अपनी अपनी हल्की हल्की बाउंड्री बनवाए, बाउंड्री बनवाने पर विरोध हुआ, फिर बाउंड्री को उसी स्थिति में साल छः महीने चलाए, फिर बाद में हम लोगों ने विरोध किया, शिकायत किया, चूँकि इसी संस्था में रहना था, इसके बावजूद वो धीरे धीरे गिरा करके फिर उसी में धीरे मकान बना लिए और धीरे कब्जा करते करते विद्यालय को एकदम छोटा बना दिए। यह विद्यालय 1928 से संचालित है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उस समय यहाँ के नज़दीक में प्राइवेट भी विद्यालय नहीं थे, यही एक सरकारी विद्यालय से सिकुटी मेहंदौरी इत्यादि का शिक्षण हुआ करता था, लेकिन इस समय इतना कब्जा हो गया है कि जगह नहीं है और बड़ी समस्याएं हो रही हैं। अवैधानिक लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए बच्चों को रख रखाव में भी दिक्कतें होती हैं। क्या चाहते हैं आप विद्यालय को करते? हम ये चाहते हैं कि विद्यालय की ज़मीन जिस तरह पुरानी थी उसी तरह खाली कर दिया जाए, बच्चों का शिक्षण कार्य चालू रहे और सारी व्यवस्थाएं यथावत चलती रहें। मैं रिस्कुल विद्यालय सिकुटी का प्रधानाध्यापक अंबिका प्रसाद शुक्ला। ये सिकुटी मेला रोड पर स्थित ऋषिकुल विद्यालय है, समाज कल्याण द्वारा संचालित है। 1928 में नेपाल के राजा केदार जंग बहादुर ने इसको जो है इस भूमि को दान दिया था और यह पहला प्रयागराज का विद्यालय है। और इस विद्यालय में दूर दराज से गरीब बच्चे आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और यह विद्यालय की लगभग 1 बीघे भूमि है। भूमि पर अवैध भूमाफियों ने अवैध रूप से कब्जा करके भवन निर्माण कर लिया। कई बार इसकी शिकायत हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से की, मंडलायुक्त से की, समाज कल्याण विभाग से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और कब्जेदार लोग कब्जा अपना करते रहे। टावर भी लगा लिया है और कि भूमि कब्जा होने से वहाँ के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। रिप्लाई में क्या मिला? ADA में दिए, PDA में दिया, प्रयाग विकास प्राधिकरण में वहाँ के अभियंता आते थे, जांच करके चले जाते थे, उनकी मिली भगत से अवैध निर्माण होता था और जितने हम लिखित रूप से शिकायत देते थे उतना अवैध उनको घूस मिलता था। इस कारण जो है विद्यालय की भूमि पर कब्जा हुआ और अधिकारियों की मिली भगत से हुआ। अच्छा,